स्टार्ट सर। आज एक इंसिडेंट, बुकिंग नाम का एक लड़का आसिफ नगर में कोई पुलिस कांस्टेबल अपने लाठी से उनके आंख पे लाठी मतलब मार के चोट आया, इस तरह का कंप्लेंट एक आया हमारे पास। और उसके बाद में उनके भाई जो कजिन है वो जायद करके नाम का आदमी मेरे पास अभी ऑफिस में आया। मैं उनके साथ वेरीफाई करने के बाद ये मालूम हुआ कि ये लोग एलेज कर रहे हैं कि घर से ये लोग कोई दूध लेने गए तो वहाँ पे बीच में कोई कांस्टेबल उनके लाठी मतलब रोकने की कोशिश करके लाठी उनका आँख पे लगा। तो ये इनका एलिगेशन है। और हमारे कांस्टेबल वहाँ पर उस टाइम में किस तरह का ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी इस लॉकडाउन के दौरान लाठी नहीं इस्तेमाल करना, ये पूरा ऑलरेडी सबको ब्रीफ किया गया है। लेकिन ये किस तरह इंसिडेंट में ये कैसा हुआ, ये हादसा, ये पूरा वेरीफाई करने के बाद हम लोग जरूर, अगर से कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो जरूर एक्शन लेंगे। ये हम अभी उनके कजिन जो है जायद को भी अभी पता है तो अभी सेटिस्फाइड है। आज पूरा वेरीफाई करने के बाद अगर से इस तरह का कोई एविडेंस मिला कि कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो हम लोग जरूर इसमें एक्शन लेंगे। सब सीबीआई को पूरा भरोसा है कि कोई कांस्टेबल लाठी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख रहे कितने दिन का लॉकडाउन में कोई भी एक सिंगल इंसिडेंट भी वेस्ट जोन में नहीं हुआ, और सिटी में भी आप देख रहे हैं हार्डली कोई इंसिडेंट हुआ किस कोई ऑफिसर लाठी इस्तेमाल करके किसी को इसमें घायल करे। तो इसी लॉकडाउन में इतने स्ट्रेस के बावजूद भी पुलिस वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर से कोई एक आध कांस्टेबल इस तरह का बिहेवियर अगर से दिखाया तो जरूर एक्शन लेंगे। इससे पहले भी सीपी साहब एक कांस्टेबल इसी तरह का कोई हादसा किया तो एक्शन लिया, अगर से इसमें भी कोई इस तरह का हम लोग को एविडेंस मिला और लगा कि जरूर उसका कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो हम लोग सीपी सर को रिक्वेस्ट करेंगे और एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट भी जाएंगे।